क्या परम धाम में राज्य या सब सखियों की जो बनावट है वह मनुष्य जैसी ही होगी या किसी और आकार की? भले ही वह पंच तत्व से रहित है, शुद्ध साकार क्या है? शुद्ध साकार उसको कहते हैं जिसमें सत्व रज तम न हो। त्रिगुणातीत स्वरूप को शुद्ध साकार कहते हैं। एक मंत्र है, चित्र ज्योति सत्य ज्योति ज्योतिष्मान च शुक्रम चरित्या चैतन्य च। चित्र ज्योति अद्भुत ज्योति है, शुक्र ज्योति नूरमयी ज्योति है। शुद्ध शब्द के साथ एक मंत्र है, सत्यांजलि में दिया गया है कि परमात्मा का वो स्वरूप क्या है? शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप का तात्पर्य जिसमें किसी तरह का विकार न हो, प्रकृति का कोई भी संसर्ग उससे न हो, सत्वरजतम न हो, जीर्णता न हो, बना न हो, अनादिकाल से हो, अनंत काल तक रहे, उस स्वरूप को शुद्ध कहते हैं। प्रश्न ये है कि राज्य या सब सखियों की जो बनावट है मनुष्य जैसी ही होगी या किसी और आकार की? वैसे तो ये प्रश्न बहुत कठिन है, क्योंकि वेद में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि मनुष्य की आकृति जैसी ही परमात्मा की आकृति है, क्योंकि वेद और दर्शन की यह मान्यता है जैसे ये प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, चारों ओर प्रकाश अपने गुणों को दर्शा रहा है, उसी तरह से ब्रह्म का अनंत प्रकाश इस अनंत सृष्टि में समाया हुआ है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, त्रिगुणातीत है। परमात्मा यदि एक जगह मनुष्य की आकृति लेकर के बैठेगा तो जो बना है वो नष्ट हो जाएगा, इस दुनिया के अनुसार ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ सकती है जैसे जब प्रकाश से ही आकृति रूप धारण कर ले, लीला रूप में, जैसे सागर की लहरों को जब देखिए, उमड़ता हुआ जल कुछ आकृति तो धारण कर लेता है। जब सूरज उगता है तो आप पूर्व दिशा में देखिए, बादलों के साथ जब सूर्य का प्रकाश टकराता है तो कई आकृतियां बनी हुई नजर आ सकती हैं। उसी तरह से परम धाम में क्या है? अनंत सौंदर्य है, अनंत प्रकाश है, अनंत प्रेम है और अनंत आनंद है। ये है राज्य का, मारिफत का स्वरूप। लेकिन लीला रूप में क्या होगा? कुछ नहीं है, श्यामा जी नहीं है, सखियां नहीं है, 25 पक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, केवल अनंत प्रकाश, अनंत प्रेम, अनंत सौंदर्य। लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? जब उसमें से आकृति निकले, क्रीड़ा करे, तभी तो कह सकते हैं। सागर का जल बहता है, क्या सागर के जल की आकृति है? पानी है, पानी को गिलास में रख दीजिए तो पानी ने कैसा रूप धारण कर लिया? गिलास का। कटोरे में रख दीजिए तो पानी ने कटोरे का रूप धारण कर लिया। जब चारों ओर समुद्र का स्थिर जल हो, ऐसा मान लीजिए कि लहर न उमड़े, तो चारों तरफ पानी तो है, पूछा जाए पानी की आकृति क्या है? आप नहीं तो बता सकते, क्योंकि आपकी आंख समस्त सागर को देख नहीं सकती। उसी तरह से जब मनुष्य, अभी कल चर्चा में मैंने, कल परसों के चर्चा में बताया था कि परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा गया? अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मने तिष्ठत्, अंगुष्ठ मात्र पुरुष आत्मा के अंदर विद्यमान है। जिस परमात्मा को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी सूक्ष्म कहा जाता है, उसको अंगुष्ठ मात्र कहने का तात्पर्य क्या है? ये कहा गया अंगूठा, ये अंगूठा है। आप सोचिए, तो क्या परमात्मा इतना बड़ा है? जब जीव का परिमाण बाल की नोक के 10,000 टुकड़े से भी ज्यादा सूक्ष्म है, तो ब्रह्म जो जीव के अंदर व्यापक है, उसको अंगूठे के बराबर क्यों कहा गया है? इसलिए कि जैसे आप मुट्ठी आप बंद किए तो अंगूठा सबसे जुड़ा रहता है, इसका आधार है। उसी तरह से परमात्मा का प्रकाश अनंत है, और अनंत प्रकाश में यदि अपनी आत्मा के हृदय में जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, थोड़ा भी जान लेता है, जैसे अंगूठे में, मुट्ठी में अंगूठे के द्वारा हम
सारी अंगुलियों का भाव ले लेते हैं कि मुट्ठी अंगूठे के आधार में है, हम जितने प्रकाश का अनुभव कर पाते हैं उसी दृष्टांत से मान लिया जाता है कि परमात्मा अंगूठे के बराबर, अंगूठे जैसा रूप वाला है। परमात्मा को अंगूठे जैसा नहीं है, वो तो एक आधार है। जैसे पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलता है उसके आधार में, तो पिता का अंगूठा पकड़कर चलने वाला बच्चा ये मानता है कि मैंने अंगूठा पकड़ रखा है। आप जिधर आपकी नज़र जाएगी सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, किंतु संसार के मनीषी जनों ने प्रकाश को देखकर बेसुधी अवस्था को प्राप्त कर लिया। उनकी वाणी मौन हो गई, बुद्धि से कुछ कहा नहीं जा सका, किंतु वही अक्षरातीत जब आए इस संसार में महामती जी के धाम विद्य में विराजमान होकर परम धाम की वाणी कही, तो पहले ही कह दिया, जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, ये सबसे न्यारा सुभान जो अरसजी में बका। महामती जी के द्वारा जब राज जी का, श्यामा जी का या सुंदर साथ का श्रृंगार वर्णन होता है, हाथ पैर नासिका बक्षस्थल चरण कमल सब वैसे ही वर्णित होते हैं जैसे मनुष्य के हैं, किंतु मनुष्य के शरीर में नस नाड़ियाँ हैं, हड्डी है, मांस है, वैसा स्वरूप नहीं है। अनंत सूर्यों से प्रकाशमयी, सूर्य का प्रकाश तो जड़ होता है, परमात्मा का प्रकाश चेतन है, और उस चेतन प्रकाश ने वैसी ही आकृति ले रखी है लीला रूप में। यह मत सोचिए कि यहाँ जैसा है, यह जैसे चर्चनी पढ़ाने वाले क्या कह देते हैं कि रसोई घर के पास की जो रसोई घर में जो श्याम श्वेत के बीच में जो श्याम मंदिर किस लिए है, क्योंकि वहाँ रसोई बनती है। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियाँ शोभित बहुत चढ़ साथिताई के चढ़ उतर कर, वहाँ से सीढ़ियाँ गई हैं। यहाँ चूल्हा जलाएंगे तो छत में काली खा जाएगी, परम धाम में ऐसा नहीं समझे कि वहाँ काला मंदिर है चूल्हा जलाते जलाते, ये तो इस दुनिया के भावों से व्यक्त किया गया है। ऐसा मत समझे कि राज जी जब भोजन करने जाते हैं तो कपड़े उतार देते हैं, क्योंकि आप भोग लगाते हैं तो बोलते हैं सिरे आज उतारे बस्तर पहनी पछौरी कमर पर। परम धाम में यदि राज जी कपड़े क्यों उतारेंगे, कपड़े गंदे यहाँ होते हैं परम धाम में नहीं होते। वाणी की कई बातें यहाँ के भावों से वर्णित की गई है, वो सारी जैसी की तैसी आप परम धाम में नहीं घटित कर सकते। इसलिए एक सज्जन जो चर्चनी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि तीसरी भूमि जब प्रातः का उठापन करते हैं तो पांचवी भूमिका में जब राज जी को उठाए जाते हैं तो उसमें बाथरूम है और मैं राज जी को तेल मालिश करके खूब नहला रही हूँ। अब बताइए कोई दूसरे प्रवाही सुनेगा कि ये परमात्मा को तेल मालिश करके के स्नान करा रहे हैं। अब भाव से तो चलिए कुछ भी कीजिए सब ठीक है, राज जी आपका भाव स्वीकार करेंगे, लेकिन इससे समाज में भटकाव पैदा हो जाएगा। जो इस संसार की मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार हमें राज जी का वर्णन करना चाहिए, अन्यथा संसार में हम हंसी के पात्र बनेंगे कि परमात्मा को भी स्नान कराया जाएगा। परम धाम में कोई भूख प्यास नहीं लगती है, मेवा मिठाइयाँ यहाँ के भावों से है, निर्बाध गति है, निर्बाध प्रेम है, कोई बंधन नहीं। इसलिए जो प्रातः का जलपान होता है, दोपहर को भोजन के बाद पढ़ना होता है, शाम को भी कुछ घूमने जाते हैं वहाँ भी बनफल आरोगते हैं, तो माया की दुनिया में होता है, वहाँ ये कोई बंधन नहीं है, इच्छा अनुसार सब कुछ है। अर्श बका वर्णन किया ले मसाला इत का, और जो आकृति की बात कही जा रही है तो सारी सृष्टि में मानव की आकृति ही सबसे सुंदर मानी जाती है। हाँ, हमारे शरीर में हड्डियां हैं, मांस हैं, बुढ़ापे में हमारा चेहरा बदसूरत हो जाता है, लेकिन ऐसे स्वरूप की कल्पना कीजिए जिसमें हड्डी नहीं, मांस नहीं, रक्त नहीं, प्रकाश का हो, तो उस स्वरूप की उपमा कुछ से नहीं दी जा सकती। प्रेम के लिए तो कुछ चाहिए, प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा, नेत्रों से होगा, उसके लिए आंखें चाहिए, बातें सुनने के लिए कान चाहिए। इसलिए जो राज्य का स्वरूप वर्णित किया गया है मानव आकृति में,
वो परम धाम की लीला को दर्शाने के लिए। और यही मानना पड़ेगा जब महामती जी के द्वारा वैसा ही वर्णन किया गया तो है वैसा ही, किंतु वेद में जो कहा गया है स परि अगाध सुक्रम अव्रणम, अव्रणम का अर्थ क्या है, कोई नस नाड़ी नहीं है, स्नायु नहीं है, अस्नाविरम नस नाड़ी से रहित है, किसी तरह की विकृति से रहित है, हाथ पैर हमारे जैसे नहीं है, हड्डी मांस का उनका स्वरूप नहीं है, प्रकाशमयी है, नूरी प्रकाश नूरी। जीव का स्वरूप क्या है, निराकार, क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि उसकी आकृति आप बना नहीं सकते। महता परम अव्यक्ता अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् परम न किंचित् साकष्टा सपरागति। अब जैसे देखिए चारों तरफ ये प्रकाश फैला हुआ है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वो छोटे से बल्ब से आ रहा है, उस बल्ब की तो आकृति है, उसी तरह से अनंत प्रेम अनंत ज्ञान अनंत एकत्व का जो सागर है अक्षरातीत, उन्होंने अति सुंदर आकृति धारण कर ली है, लेकिन काल माया के नियम परम धाम में लागू नहीं होते। ऐसे काल माया में जो कलकत्ता में बैठा हुआ है उस सरसावा को नहीं देख सकता, परम धाम में हर कण में वही है, परम धाम के रूप में वही राज्य है, इसलिए कण कण में वहाँ राज्य का नक्ष सिख तक स्वरूप दिखेगा। ये चीज ऐसी होती है जिसमें बुद्धि कुंठित हो जाती है, जो अनुभव करेगा वही जान सकता है, इसलिए बुद्धि और तर्क के द्वारा इन बातों को, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें समझा नहीं जा सकता। हाँ, महामती जी ने जो वर्णन किया है, अथर्ववेद में एक मंत्र है परमात्मा के स्वरूप की तुलना, अथर्ववेद में ऋषभ सूक्त है, ऋषभ का अर्थ क्या है, जो सबसे बड़ा हो। सन्यासी लोग भगवे वस्त्र क्यों पहनते हैं जानते हैं, इसका कारण क्या है, दो चीजें हैं, हमें हमारे सुंदर सात्विक कई भूले करते हैं, हम पद्धति में गाते हैं कुलमूल हमारो आनंद है, हम आनंद के अंग हैं तो अपने नाम के आगे दास लगाते हैं, दास शब्द लगाना किसको पसंद है, जो वैष्णव हो, क्योंकि उन्हें विष्णु का दास होना है। एक पौराणिक श्लोक है कि जिसमें उन्होंने दास शब्द से अपने को जोड़ा है। दूसरी चीज, पन्ना जी में एक बार धर्मगुरु जी ने चंवर कर दिया, एक चौकीदार ने उनके हाथ से चंवर छीन लिया, कृष्णदास जी महाराज के समय की बात है, उसका कहना था कि उन्होंने लांग की धोती क्यों नहीं बांधी, लांग समझते हैं जो धोती पहनी जाती है तो पीछे लगाया जाता है, इस बात पर उन्होंने चंवर छीन लिया था। वहाँ की शरीयत का नियम है कि जो धर्मगुरु होगा वो गृहस्थी की तरह धोती बांधेगा लांग बांधेगा, वो महात्माओं की तरह जैसे लुंगी बांधने जैसा नहीं बांधेगा। एक बात देखिए, कोई भी सन्यासी लांग वाली धोती नहीं बांधता, महाराष्ट्र में तो बहनें भी लांग बांधती हैं, पीछे की तरफ धोती का एक छोर खींच लेती हैं। जब आप बताएं बहने साड़ी पहनती हैं तो वही भाव लेकर सन्यासी भी लुंगी बांधता है, और जैसे अथर्ववेद के ऋषभ सूक्त में कहा गया है कि उगता हुआ सूर्य की जैसे लालिमा है, वैसे ऋषभ यानी परमात्मा की कांति वैसी ही है, त्वचा की कांति वैसी ही है, तुलना की गई है। सन्यासियों ने सोचा कि हम जैसे परमात्मा के का स्वरूप है, हम भी वैसा वस्त्र क्यों न धारण कर लें, यही कारण है उसी रंग का आधार लेकर भगवे वस्त्र बनाए जाते हैं। भावना तो बहुत ऊंची है, लेकिन भगवे वस्त्र धारण कर आज सन्यासी अपराध कर रहा है, जेल में जा रहा है, तो आज भगवा वस्त्र कलंकित हो गया है, अन्यथा जैसे सूरज उगते समय आप लालिमा का जो रंग है वही रंग भगवा वस्त्र का है, और वाणी में क्या दर्शाया है, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाल, लालिमा से भरा गुलाबी रंग गहरा गहरी गुलाबी लिए हुए राज्य के मुखारविंद की शोभा है, उसी रंग को भगवे वस्त्र के रूप में परिवर्तित किया गया है।